हेलो बच्चों, मैं सुनीता एसडीएस विद्यापीठ से आज आपकी नर्सरी की क्लास में और हिंदी के सब्जेक्ट में हम सीखेंगे बड़ा उ बनाना। ठीक है, आपके वर्णमाला में जो वर्ण है हम उसे बनाना सीख रहे हैं। तो मैंने जो है आप लोगों को छोटे उ तक बनाना सिखा दिया है, तो अगर आपने वह वीडियोस मिस कर दिए हो तो आप लोगों ने देख लें, जिससे आपने बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी आपको और उसे आप सीख सकेंगे और उसके बाद यहाँ जो सिखाया जा रहा है उसे भी सीख सकेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपने कुछ मिस कर दिया हो तो उन वीडियोस को देख लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। ये कौन सा वर्ण है? बड़ा उ। बड़ा उ को क्या कहते हैं आप लोग? बड़ा उ मीन्स होता है उसे ऊ। आप जिसे कहते हैं उसे ऊ वो होता है बड़ा उ। तो मैं यहाँ पर आपको उसे बनाना सिखाऊंगी, आपको उसे अपने हिंदी के नोटबुक में बनाना है जैसे जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। अगर आपसे एक बार ना हो पाए तो आप लोग दूसरी बार उसे ध्यान दे दीजिए, उसे बनाना सीख लीजिए। आपको मतलब आसान तरीके से बताने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर दो लाइन्स बनाई हुई है, जैसे आपकी हिंदी की नोटबुक में बनी है दो दो लाइन्स की, ऐसे जो आपकी पेजेस है वो बनी हुई है। बस फर्क क्या है, आपकी पेज में छोटी सी लाइन है, यहाँ पर मैंने बड़ा सा स्पेस देकर इसे बनाया है। तो आपको बस यही करना है, उन दो ही लाइनों के बीच में उस वर्ड को बनाना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा मैं कैसे बना रही हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बड़ा उ बनाना यानी ऊ से ऊन वाला उ बनाना। ये देखिए मैं कैसे यहाँ पर बना रही हूँ, जैसे हम लोग अ बनाते हैं या फिर जैसे हमने छोटी छोटा उ बनाया था उसी तरीके से हमें आगे ऐसे कर लेना है, यानी कि हाफ सर्कल टाइप में। यह देखिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों, ऐसे ही बस आपको गोला करना सीखना है। फिर उसमें मान लीजिए आपने गोला कर लिया तो उसे हम इतना गोला पूरा नहीं करेंगे, तो यह आपका उ बन जाएगा। एक बार ऐसे ऊपर की तरफ और एक बार ऐसे नीचे की तरफ, यह आधा काम हो गया आपका। अब हमें यह जो बड़ा उ की मात्रा यहाँ पर है ऐसे, यह देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, ऐसे बना देंगे इसकी मात्रा हम यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। ठीक है, और हम इसे पूरा करने के लिए इसके ऊपर की लाइन खींच देंगे ऐसे, ये देखिए यह बन गया आपका बड़ा उ। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक बार आपको यहाँ पर बता दिया, अब आप यहाँ दूसरे तरफ भी मैं बताने जा रही हूँ, आप इसे भी ध्यान से देखिएगा। एक बार मैंने बता दिया, मैं फिर से बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। यह देखिए फिर से मैं ऐसे ही बना रही हूँ हाफ सर्कल टाइप, ये देखिए यह मैंने बना दिया। अब ऐसा ही ठीक मैं नीचे बनाऊंगी, यह देखिए उसी दो लाइन के अंदर आपको यह बनाना है, यह नहीं कि दो लाइन के बाहर आपको जाना है, उसी दो लाइन के अंदर आपके नोटबुक में आपको बनाना है ऐसे जैसे मैंने अभी यहाँ पर बनाया। फिर आपको यह मात्रा उसकी लगा देनी है, देखिए ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों, ऐसे आपको कर देना है। फिर इसके ऊपर वाली लाइन जो होती है उसे खींचकर इसे पूरा कर देना है। बच्चों ये वाली लाइन जो होती है हर वर्ण के ऊपर बहुत जरूरी होती है, तो आप लोग इसे लगाना भूलेंगे नहीं। कभी भी आप लोग कोई भी वर्ण लिखते हो तो उसके ऊपर यह लाइनें जो है बनाना जरूरी है, इसे कभी मत भूलिएगा। इसे ऐसे हमेशा वर्णों के ऊपर लगा दीजिएगा, ठीक है बच्चों, जिससे आपके वर्ण अधूरे ना हो। तो हमने यहाँ पर बड़ा बना लिया है, उम्मीद है आपको यह आसान लगा होगा, बनाने भी आ गया होगा। और अगर आप ना बना पा रहे हो, आपको समझ ना आया हो, तो आप लोग वीडियो को फिर से प्ले करके देख लीजिएगा, यानी स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, जिससे आपको यह बनाने में आसानी हो। यह कौन सा वर्ण है बच्चों? बड़ा उ यानी उसे उन वाला उ। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इसे जरूर जो है देखिएगा और सीखिएगा। थैंक यू।